आप लोग घर में ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये आई होप सो लास्ट लेक्चर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर जिसका नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, अब हमारा पोर्शन चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट, जिसमें हम इम्प्लांटेशन पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हमने ये पढ़ लिया एम्ब्रियो कैसे बनता है। अब बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि एम्ब्रियो से फीटस कैसे बनता है। तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये पढ़ा था कि उसमें ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, इनर मास्ट सेल लेयर होती है। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लीज आप पहले इम्प्लांटेशन की वीडियो जाकर देखें। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ये वाला लेक्चर आपका मक्खन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ट्रोपोब्लास्ट होती है और इनर सेल मास होती है। ट्रोपोब्लास्ट जो विलाई में कन्वर्ट हो जाती है और इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ट्रोपोब्लास्ट विलाई में कन्वर्ट होती है और फीटस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रोपोब्लास्ट सेल होगी वो फिंगर लाइक अपेयरेंस क्रिएट कर लेगी। सबसे पहले ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है मैच्योर होकर डिवाइड हो गई और वह फिंगर लाइक अपीयरेंस क्रिएट कर लेगी। अब फिंगर लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या है, आप ये फिंगर देख रहे हो, इस फिंगर का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, फिंगर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इसी तरह से फिंगर लाइक अपीयरेंस क्रिएट कर लेगी कौन सी लेयर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, उस अपीयरेंस को कहते हैं विलाई। दोबारे सुनिए, ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है फिंगर लाइक अपीयरेंस क्रिएट कर लेगी जिसको बोलेंगे हम विलाई। अब क्या होगा, जो विलाई होगी सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटेरियल मैटरनल ब्लड। अब ये यूटेराइन टिश्यू तो हमें पता है क्या होता है, यूटेरस में यूटेराइन कैविटी होती है जिसमें यूटेराइन टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये तो हमको पता है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें देखना है, यूटेराइन टिश्यू तो हमें पता चल गया, अब ये मैटरनल ब्लड क्या है। मैटरनल का मतलब होता है मदर, मैटरनल ब्लड का मतलब मदर ब्लड, जो कि हमारे एम्ब्रियो फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट है, यानी कि जो फीटस मदर, बेसिकली मैटरनल मतलब होता है मदर, मदर के ब्लड को ही मैटरनल ब्लड कहा गया है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो विलाय है, सपोज करो ये एक विलाय है, इसके चारों तरफ यूटेराइन टिश्यू होंगे और मैटरनल ब्लड होगा। यूटेराइन टिश्यू क्या होता है, जो कि यूटेरस में प्रेजेंट होता है, मैटरनल ब्लड क्या होता है, मदर का ब्लड, ठीक है। तो चलिए सपोज करो ये एक विलाय होगी, इसके चारों तरफ यूटेराइन टिश्यू होगा और मैटरनल ब्लड होगा। बेसिकली इसमें ये बात की भी है, मैटरनल मतलब मदर। अब क्या होगा, जो यूटेराइन टिश्यू है और मैटरनल ब्लड है और हमारी विलाय है, ये सब इंटीग्रेटेड ईच अदर होते हैं। अब इसका मतलब क्या, इंटीग्रेटेड ईच अदर का मतलब क्या, सपोज करो ये है हमारी विलाय और ये वो वाला, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा मैटरनल ब्लड और हमारा यूटेराइन सेल्स। अब क्या होगा, जो विलाय है और मैटरनल ब्लड है इस तरह से फिक्स हो जाएंगे, इस तरह से फिक्स होने को ही कहते हैं हम इंटीग्रेटेड ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप देखते हो बोतल, कोई भी वाटर बोतल है उसका ढक्कन है। अब आप एक बात नोटिस करना, वॉटर बोतल पर भी ओपनिंग एरिया में चूड़ी प्रेजेंट होती है और ढक्कन पर भी चूड़ी प्रेजेंट होती है, जैसे हम उसको घुमाते हैं तो एक फिक्स हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी विलाय होती है, सपोज कीजिए ये विलाय है और ये है हमारा मैटरनल ब्लड और यूटेराइन सेल, यूटेराइन टिश्यू, ये आपस में इस तरह से फिक्स हो जाते हैं। तो यानी कि एक तरीके से विलाय और मदर, मदर के यूटेरस, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। किसकी हेल्प से, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, यानी कि मदर के ब्लड की हेल्प से। इसलिए मैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेटेड आपका एनसीईआरटी का वर्ड है और अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आप ये वर्ड लिख देते हो तो टीचर आप पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं चाहता था तो नॉर्मल फ्लो चार्ट भी बना सकता था, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी वर्ड से फ्लो चार्ट बनाता हूँ तो आप भी वही कॉपी करोगे और उसी तरह का फ्लो चार्ट बनाओगे। तो ये वाला फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो अब तक हमने जो पढ़ा उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इनर सेल मास होती है, ट्रोपोप्लास्ट होती है। इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रोपोप्लास्ट विलाय में कन्वर्ट हो जाती है।
अब ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है वो मैच्योर डिवाइड होने के बाद एक फिंगर लाइक अपीयरेंस क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस, उस चीज को कहते हैं विलाई। अब जो विलाई होती है वो यूटेराइन टिश्यू और मटर्नल ब्लड से सराउंडेड होती है। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये भी विलाई और यहाँ पर प्रेजेंट है यूटेराइन टिश्यू और मटर्नल ब्लड। अब क्या होगा, जो यूटेराइन टिश्यू तो बेसिकली हमें पता है यूटेरस में जो प्रेजेंट होता है मैटरनल ब्लड, मैटरनल का मतलब होता है मदर, मैटरनल ब्लड का मतलब होता है मदर का ब्लड। अब ध्यान से देखिए ये सब इंटीग्रेटेड ईच अदर होते हैं, इंटीग्रेटेड ईच अदर का मतलब फिक्स। फॉर एग्जांपल ये रही विलाय और ये रहा मैटरनल ब्लड और हम और हमारा यूटेराइन टिश्यू आपस में फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब इंटीग्रेटेड ईच अदर होता है। इसका एग्जांपल ले दिया हमने स्क्रू गेज, अब कोई भी स्क्रू है, अब ड्रिल मशीन से दीवार वॉल में होल किया जाता है और वहां पर जो है स्क्रू घुसा दिया जाता है, उसमें स्क्रू टाइट करते हैं स्क्रू गेज से। तो ये भी एक एग्जांपल है इंटीग्रेटेड का, ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी फिक्स होना उसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो मतलब के बेसिकली विलाय, यूटेराइन टिश्यू, मैटरनल ब्लड जो है जॉइंट टू फॉर्म अ यूनिट, एक यूनिट बना लेते हैं भाई। आपको मैं ये डायग्राम से भी सिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी विलाय, यहाँ पे बना देता हूँ, ये रही हमारी विलाय, इसके चारों तरफ है यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड और ये रहा मदर का यूटेरस। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, विलाय और यूटेरस मदर की यूटेरस वॉल के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, किसके द्वारा, मैटरनल ब्लड के द्वारा, यूटेराइन टिश्यू के द्वारा। जो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है उस चीज को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ में आ गया भाई, ये रही हमारी वेलाय, सपोज कीजिए ये रही वेलाय, इसके चारों तरफ है यूटेराइन टिश्यू, इसके चारों तरफ हो गया यूटेराइन टिश्यू और यूटेराइन टिश्यू के ऊपर होगी हमारी हमारी ये जो मार्कर है ये है हमारा यूटेरस की वॉल और ये है हमारा मैटरनल टिश्यू, मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू और ये है हमारी वेलाय। ये तीनों ये फिक्स हो जाती है भाई। इस पार्ट को देखिए, हमारे इस पार्ट ने मेरी उंगली को भी फिक्स किया हुआ है और मार्कर को भी फिक्स किया हुआ है। तो इसी तरह से मार्कर तो है यूटेराइन यूटेरस की वॉल और मेरी उंगली है वेलाय और ये जो मैंने मुट्ठी बंद करी हुई है ये है हमारा मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू। ये कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब फिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा एक ट्रांसपोर्ट एरिया होती है, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का लेना, न्यूट्रिशन का लेना और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना एम्ब्रियो में से, बेबी में से, वो प्लेसेंटा करती है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में ये तो है यूटेराइन वॉल, ये है प्लग ऑफ म्यूकस, इसका ये क्या है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है ताकि मेंसिस अकर ना हो तो यहाँ पर प्लग ऑफ म्यूकस यानी कि ब्लड का एक बहुत गुच्छा और गांठ बन जाती है, गांठ बन जाती है जो कि यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है। अब एक बात ध्यान रखना, एम्ब्रियो के आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको एम्ब्रियोनिक फ्लूइड बोलते हैं और ब्लड प्रेजेंट है फीमेल का उसको जो है मतलब स्टोर करके रखे। अब एक एग्जांपल से समझो, अब स्टार्टिंग स्टेज में यानी कि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज में वुमेन को भारी सामान उठाने के लिए कोई भी काम करने के लिए अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय प्लग ऑफ म्यूकस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और मेंसिस के साथ साथ हमारा एग है और एम्ब्रियो है वो भी निकल जाता है। इसलिए फर्स्ट 3 मंथ वुमेन को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है और उनको जो है बहुत ज्यादा अपना ध्यान भी रखना पड़ता है, वे ज्यादा तेज भी नहीं बोल सकती ताकि इस पर जोर ना पड़े क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, प्लग ऑफ म्यूकस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब जब मैं डायग्राम समझा रहा हूँ तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे कुछ भी प्लीज हो सकता है कि आप डायग्राम जरूर देखिए बुक में। अब ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा फ्यूचर बेबी, अब फ्यूचर बेबी के पास एक ट्यूब है जो कि वेलाई से कनेक्टेड है, उस ट्यूब का नाम क्या है, अम्ब्रिकल कॉर्ड। ये आपने 10th में भी पढ़ा था, दोबारा सुनिए, जो हमारा बेबी है और वेलाय है उस उन दोनों के बीच एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि ये रही, इसको बोलते हैं अम्ब्रिकल कॉर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रहा हमारा पूरा फिटस, ह्यूमन फिटस, उसके चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बोलते हैं वेलाय। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उनको बोलते हैं वेलाय। अब ये जो ये वाला पार्ट है, जो एम्प्टी पार्ट है, ये प्लग ऑफ म्यूकस
सॉरी प्लग ऑफ म्यूकस नहीं, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से भरा हुआ है, और ये होगी हमारी यूटेराइन वॉल, ये हो गई विलाई, ये हो गई यूटेराइन वॉल, अब विलाई यूटेराइन वॉल और यहाँ पर हो गए हमारे ये सब यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, इन तीनों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, इस चीज को बोलते हैं प्लेसेंटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेट प्लेसेंटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रही हमारी वेलाय, ये रहा हमारा मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू, और ये रहा हमारा यूटेराइन वॉल। अब देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि वेलाय, यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड और साथ साथ हमारी यूटेरस वॉल, ये तीनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी कि कॉन्टेक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है बॉडी से, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर बेबी को कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा तो कैसे करेगा, सबसे पहले प्लेसेंटा, देन विलाय, देन अम्बिकल कॉर्ड, ये बात आप ध्यान रखना, पहले प्लेसेंटा लेगी, फिर वेलाय, फिर वो वेलाय के पास आएगा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के पास जाएगा, और अगर कुछ चीज जा रही है बेबी से तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा कोई भी। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डायग्राम क्या होता है। अब जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो हार्मोन रिलीज करती है प्रेगनेंसी के समय, और वे जो हार्मोन मैं बताने जा रहा हूँ वे हार्मोन केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं। पढ़ लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा रिलीज करता है। आप ध्यान से देखिए, प्लेसेंटा जो है चार हार्मोन रिलीज करेगा प्रेगनेंसी के समय, और ये हार्मोन केवल और केवल प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। किसी भी वुमेन में ये हार्मोन अगर रिलीज हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी में ही हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के सिवाय ये हार्मोन कभी भी नहीं रिलीज होते। अब सबसे पहला हार्मोन है HCG, जिसका नाम है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिज्म, ध्यान से सुनिए, पहला है HCG जिसका नाम है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडो ट्रोपिज्म, दूसरा हार्मोन है HPL जिसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दूसरा पहला सुनिए HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडो ट्रोपिज्म, दूसरा है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा है ईस्ट्रोजन, एंड फोर्थ है प्रोजेस्ट्रोन। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन तो ओवेरियन हार्मोन है, वो तो ओवेरी रिलीज करती है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट होने का मतलब जो ओवेरी है वो तो रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, और जो हमारा प्लेसेंटा है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब हमने ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का एक फंक्शन ये भी पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करता है, तो प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन कौन से हार्मोन करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब दोबारा सुनिए, जब जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी जो ओवेरी है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगी, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स उस समय क्या होगा, उस समय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स होगा प्लेसेंटा। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम ये तीनों हार्मोन रिलीज होने के बाद ओवेरी जो है प्रेगनेंसी के बहुत टाइम बाद एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पहला हार्मोन HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिज्म, दूसरा हार्मोन HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड चौथा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। और कुछ समय बाद प्रेगनेंसी के बहुत समय बाद ओवेरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। अब एक बात ध्यान रखना, ये हार्मोन केवल प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होंगे और कभी रिलीज नहीं होंगे। अब हमने हार्मोन तो पढ़ लिए, उनका फंक्शन देखते हैं, तो NCERT में इंडिविजुअल फंक्शन नहीं बताया हुआ है, सबका एक साथ ही फंक्शन बताया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे जो है इंडिविजुअल फंक्शन पढ़ना शुरू करते हैं, वो अच्छा भी है और नहीं भी है, क्योंकि एग्जाम में इंडिविजुअली नहीं पूछा जाएगा, अब क्योंकि इंडिविजुअली NCERT में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनके फंक्शन क्या क्या है, पहला फंक्शन मैटरनल ब्लड इंक्रीज होता है, अभी मैटरनल ब्लड में पहले आपको बता चुका हूँ, मैटरनल मतलब मदर के अंदर ब्लड की क्वांटिटी बढ़ती है। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक चेंज इन मदर, भाई अगर मदर में मेटाबॉलिक चेंज ज्यादा होंगे तो मतलब तो उसका फीटस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है पड़ेगा, तो उसको भी ये हार्मोन मेंटेन करते हैं। थर्ड वन इज ग्रोथ ऑफ फीटस, अब फीटस को भी ग्रोथ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये हार्मोन प्रोवाइड करेंगे। अब फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं। अब फिर भी बच्चे
कुछ जो है पूछ लेते हैं, सोचते हैं कि हमें इनका अलग अलग मीनिंग जानना है। तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिज्म का बेसिकली फंक्शन यही होता है जो हमने पढ़ा है। अब इसमें एचपीएल का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका नाम सुनिए, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका मतलब क्या है? लैक्टोजन क्या होता है? लैक्टोजन शुगर होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये मिल्क का प्रोडक्शन करेगा एचपीएल, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। रिलैक्सिन जो है जो प्रेगनेंसी के समय मसल्स को रिलैक्स करने का वर्क करेगा, नाम से ये प्रेजेंट है रिलैक्सिन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रेगनेंसी को और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, अब तक हम ट्रोपोप्लास्ट लेयर के बारे में पढ़ चुके थे, अब हमें पढ़ना इनर सेल मास के बारे में। अब क्या होगा? इनर सेल मास डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगी और तीन तरह की वॉल बनाएंगी। दोबारा सुनिए, जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट होके तीन लेयर बनाएंगी। पहली लेयर का नाम है एक्टोडर्म, दूसरी लेयर का नाम है मेसोडर्म और तीसरी लेयर का नाम है एंडोडर्म। दोबारा सुनिए, जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट कर तीन लेयर बनाती है। पहली वाली लेयर एक्टोडर्म, दूसरी वाली लेयर मेसोडर्म और तीसरी वाली लेयर एंडोडर्म, यानी कि मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। अब जो ये तीनों लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे न्यू बॉर्न बेबी के यानी कि यंग वन के टिश्यू और ऑर्गेन ग्रो होते हैं। और इनर सेल मास में ही एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसका नाम होता है स्टेम सेल्स। ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग से पूछी जाती है कि स्टेम सेल्स क्या होती है। स्टेम सेल्स एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जो कि इनर सेल मास में प्रेजेंट होती है, और कुछ ऑर्गेन, बॉडी के कुछ ऑर्गेन और कुछ टिश्यू उन स्टेम सेल्स से उठते हैं। दोबारा सुनिए, बॉडी के कुछ ऑर्गेन और कुछ टिश्यू कहाँ से आते हैं? तीन लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो बाकी के बच्चे हुए हैं वे आते हैं स्टेम सेल से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी में पेज नंबर 54 पे पैराग्राफ 2 दिया हुआ है और उसमें अपीयरेंस ऑफ यंग वन दी हुई है, यानी कि बच्चे का हार्ट कब आता है, बच्चे के हेयर कब आते हैं, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है, कुछ भी आ सकता है, तो वो पार्ट आपको थरली रीड करना है, क्योंकि रीड करने से ही आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। ज्यादा कुछ ऐसे उसमें पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट मैं आपको एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज में जरूर कराऊंगा। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं अपना पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन मार्क के लिए। तो चलिए, अब हम पार्टुरेशन और लैक्टेशन पढ़ते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है और वन मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पार्टुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्टुरेशन का मतलब होता है बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होना है, इसका मतलब होता है पार्टुरेशन। दोबारा सुनिए, पार्टुरेशन का मतलब क्या होता है? किसी बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होना। और लैक्टेशन, लैक्टेशन का मीनिंग क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होना मेमरी ग्लैंड में। बेसिकली इन दोनों टर्म्स का ये मतलब होता है। अब इन दोनों टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टुरेशन। अब एक वर्ड हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसका नाम है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है 9 मंथ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। वन मार्क डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? 9 मंथ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड में क्या, अब जब फीटल, जब हमारा फीटस बाहर आने के लिए रेडी होगा, यानी कि बेबी तैयार होगा, मैच्योर होगा और वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होगा, तो क्या होगा? जो प्लेसेंटा है और फीटस है, यानी कि फीटस खुद एक कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा सुनिए, जब बर्थ का समय होगा, बेबी की जो प्लेसेंटा है और खुद फीटस है, एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, और वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो स्टार्ट होगी वो फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन होगी। मतलब कि फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन अगर एग्जाम में पूछ जाए तो क्या है कि प्लेसेंटा और फीटस दोनों मिलके एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि यूटेराइन मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देंगी, उसको कहते हैं फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन। अब फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन को ही कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज द फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन वेयर प्लेसेंटा एंड फीटस डेवलप यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब दोबारा सुनिए, प्लेसेंटा और फीटस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करेंगे, जिसको फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन कहते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स तो कर हो गया, अब जैसे जैसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बढ़ेगा,
वैसे वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगी। तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़नी शुरू हुई, उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज करा जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। दोबारे सुनिए, फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह है, जैसे ही हार्मोन रिलीज हुआ वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ गई। पहले तो फिटलाइजेशन रिफ्लेक्स ने कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी की हुई थी, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ गई। और एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। फाइनली जब ऑक्सीटोसिन अपनी पीक लेवल पर होता है, यानी कि सबसे हाई अमाउंट पर होता है, जब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, तब होता है जब जो है बेबी जो है यूटेरस से बाहर आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन क्या होता है, प्लेसेंटा और फीटस एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होती है तो फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन होता है। और फर्स्ट साइन ऑफ पार्टुरेशन को बोलते हैं फिटलाइजेशन रिफ्लेक्स। अब जो फिटलाइजेशन रिफ्लेक्स के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, उस समय एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे विटलाइजेशन रिफ्लेक्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी यूटेरस की। अब एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है अपने पीक लेवल पर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होगा। उस समय यूटेरस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब बेबी तब जाकर बेबी मदर की यूटेरस से बाहर आता है। इसमें मदर को इतना ज्यादा पेन होता है जैसे हमारी कई हड्डियां टूट गई हों। तो इसमें हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि मदर को कितना पेन होता होगा। तो अब चलिए अब हम पढ़ते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होगा, हमने बेसिकली लैक्टेशन में ये पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब क्या होगा, जो मेमरी ग्लैंड है, यानी कि फीमेल की चेस्ट में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है मेमरी ग्लैंड, वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा, यानी कि डिवाइड होना शुरू कर देगा और प्रेगनेंसी के समय मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और ये सब कब होगा, प्रेगनेंसी के समय ही होगा, उस चीज को हम कहते हैं लैक्टेशन। दोबारा सुनिए, लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन में मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करना शुरू करेगा। जब वो डिफरेंशिएट यानी कि डिवाइड करना शुरू करेगा तो वो प्रेगनेंसी के समय मिल्क प्रोड्यूस करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि मिल्क कब प्रोड्यूस होता है, प्रेगनेंसी के समय प्रोड्यूस होता है। अब इनिशियल डेज ऑफ कोलेस्ट्रॉम ये क्या है, इनिशियल डेज यानी कि जब मदर मिल्क प्रोड्यूस होगा प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में, उसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉम वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, लैक्टेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। लैक्टेशन क्या होता है, मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करेगा, वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा प्रेगनेंसी के समय, और इनिशियल डेज मिल्क प्रोड्यूस होना ही कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। अब कोलेस्ट्रॉम और लैक्टेशन में क्या डिफरेंस है, कोलेस्ट्रॉम होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज कोलेस्ट्रॉम, और लैक्टेशन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन होल प्रेगनेंसी इज नोन एज लैक्टेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर खत्म हो गया है, इस चैप्टर के बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज अब लॉन्च होगी। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। और साथ ही साथ पूरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब ये चैनल आप पर निर्भर है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आप तक पहुंचा सके। हमने अपना इस चैप्टर में पूरा बेस्ट दिया है और अगले चैप्टर में भी पूरा बेस्ट देंगे। और हमारी टेस्ट सीरीज के लिए वेट करना, पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की टेस्ट सीरीज एक साथ लॉन्च होगी, जिसमें 1 to 4 चैप्टर आपको बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं।
हैं, तो इस सीरीज के लिए वेट कीजिएगा आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे अगर कोई भी आपको कॉन्टेक्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज 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 अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वे भी देख लीजिए, उनमें मैंने बहुत डिटेल में कंसेप्ट पढ़ाए हैं। उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।